गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको कोशिका संरचना के अंतर्गत लवक के बारे में उसको बताना है। लवक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है, जो केवल पौधों में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। और इसमें जो लवक का जो महत्व है ये भी आपको इसमें सामने आ जाएगा। तो हेकल ने इसकी खोज की थी और हेकल ने बताया कि ये रचनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। और सन 1865 में प्लास्टिक्स नाम दिया इनको। और वो थे सिंपल साइंटिस्ट ने, सिंपल ने प्लास्टिक्स नाम दिया। और हेकल ने इनकी खोज की। और 1885 में सिंपल ने इन्हें प्लास्टिक्स का नाम दिया और खोज हुई आपकी 1865। देखिए, पौधों में पाई जाने वाली ये विशेष रचनाएं होती हैं। ये दोहरी झिल्ली से बनी होती हैं और पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी होती हैं। और अन्य गुणों के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवरणी लवक, नंबर 2 वर्णी लवक, हरित लवक, लिपोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये आधार है कार्य वर्णक तथा अन्य तमाम गुण ऐसे होते हैं। इसके आधार पे इनको तीन प्रकार बताया गया, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। तो आज हम आपको ये तीनों लवकों के बारे में संक्षेप में बताते हैं। तो पहला है आपका अवर्णी लवक।
देखिए ये रंगहीन होते हैं, इनमें उबरण का अभाव होता है और ये जड़ भूमिगत तनों आदि में पाए जाते हैं, क्योंकि वर्ण का अभाव होता है और ये जब जड़ और भूमिगत तनों में जब पाए जाएंगे तो प्रोटीन, मंड, तेल इसका संग्रह करते हैं। रंगहीन होते हैं, वर्ण पाए नहीं जाते इसके आधार पे। तो अब जो मंड का संग्रह करेगा उसे कहा जाता है एमाइलोब्लास्ट, और जो प्रोटीन का संग्रह करेगा इसे प्रोटीनोब्लास्ट, और जो तेल का संग्रह करेगा उसे कहा जाएगा इलायोब्लास्ट। तो इस प्रकार से जड़ भूमिगत तनों में पाए जाते हैं और इसके बाद तीन भोज्य पदार्थ हैं, प्रोटीन, मंड और तेल। तो अगर तेल का संग्रह करता है तो ऐसे अवर्णी लवक को प्रोटीन का संग्रह करेगी तो प्रोटीनोब्लास्ट, मन का अगर संग्रह करेगी तो एमाइलोब्लास्ट, और अगर तेल का संग्रह करेगी तो इलायोब्लास्ट। तो बीजों में, भूमिगत तनों में, आदि में ये पाए जाते हैं। दूसरा है वर्णी लवक। कोलोब्लास्ट, देखिए ये लवक जो है रंगीन लवक होते हैं, जो पीले, लाल, नारंगी आदि रंगों में पाए जाते हैं। हरे को छोड़ करके जितने भी रंग होंगे वो इसी के कारण होते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे चुकंदर है, टमाटर है, तो अधिकतर ये पुष्प के दल में, फलों में, बीजों में ये आपको मिलेंगे। जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इस तरीके से ये जो पाए जाते हैं। और कभी कभी पुष्पों की पत्तियों, तनों में भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर फल और बीज और पुष्प के दलों में पाए जाते हैं। रंगीन इन्हें जो है रंगीन वर्ण कहा जाता है, रंगीन वर्ण। तीसरा लवक है
तीसरा लवक है हरित लवक, दोहरी भित्ति से बनी रचना होती है। इस तरीके से यह रचना होती है और हर दवक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसकी कार्य, इसकी संरचना, इसकी क्रियाविधि आपको हम करते हैं।